उद्धव ठाकरे की चुनाव आयोग को सीधे सीधे ये धमकी है। वो कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी को हाथ लगाया तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ केस करेंगे। ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाए, ये आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उन्हें अब डर लग रहा है कि कहीं शिवसेना का तीर कमान तो दे दिया और उस तीर कमान से सीधा निशाना कहीं प्रॉपर्टी पर न लग जाए। सभी संपत्तियों पर हमारा अधिकार है, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। यानी शिवसेना के नाम जो संपत्तियां उस पर अधिकार हमारा है। 82 शिवसेना भवन है महाराष्ट्र में जिन पर तलवार लटकी है, और यह भी कहा जा रहा है कि मातोश्री का जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर भी संकट के बादल है। हालांकि शिवसेना यानी शिंदे, एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है, वो खुलकर अभी कह रहे हैं कि हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का डर खुलकर सामने आ गया है। अब मैं ये पूछूंगी, जरा प्रीति जी जरा बताइए एक बार, ये डर यानी कि पार्टी चली जाए प्रॉपर्टी ना जाए, अब डर प्रॉपर्टी का है? आपके सवाल से पहले वो संसदीय भाषा की कुछ बात हो रही थी जो भाई साहब कह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले पवन खेड़ा साहब ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां प्रधानमंत्री जो कुर्सी पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र की उस कुर्सी के का अपमान करते हुए प्रधानमंत्री जी के पिता का भी अपमान किया। मुझे बहुत खराब लगता है, और कितना ये दो, मतलब अब दो तरह का चेहरा है कि प्रधानमंत्री के पिता का अपमान आप कर सकते हैं, नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कौन कौन सी कमेटी बना रहे हैं। संसदीय भाषा का ज्ञान सबसे पहले जाके उन पार्टी और उन लोगों को देना चाहिए, पवन खेड़ा साहब को देना चाहिए। अभी मैं सोच ही रही थी तब तक आपके ब्रेकिंग भी पवन खेड़ा साहब पे आ गई। दूसरी चीज देखिये, जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही की सरकार तो थी है, पैसों की इनको कहाँ कमी है? इनको सबसे बड़ी चिंता आज उस पैसे की, प्रॉपर्टी की। इसी के सुचरता जी, पिता की बनाई हुई इतनी संपत्ति, मतलब पैसा रुपया नहीं, वो प्रॉपर्टी शिवसेना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो शिवसेना होनी चाहिए, लेकिन उनको लालच सिर्फ उस आपने जो प्रॉपर्टी बताया, ग्राउंड फ्लोर बताया, सिर्फ उसकी है। और आपने देखा है कि 2 साल जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने तांडव किया है, कहीं ना कहीं जनता ने इनको एक जवाब दे दिया। और ये बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं सुचरता जी, सबसे बड़ी एक चीज और, अगली बार ये चुनाव लड़ेंगे ना तो जो बची खुची कुर्सियां हैं वो भी चली जाएंगी। और शिवसेना को किसी और ने नहीं बर्बाद किया, ना कांग्रेस ने, ना एनसीपी ने, इनके एक स्पोक्स पर्सन है संजय राउत जी, इनके पास वो अभी भी कह रहे हैं। सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने संजय राउत का जिक्र किया, मैं एक बार विक्रम सिंह यादव जी से पूछ लेते। विक्रम सिंह यादव जी, 2000 करोड़ का लेन देन है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, ये कह रहे हैं संजय राउत। सबसे पहले तो 2000 करोड़ होना चाहिए कि 2000 करोड़ उनके पास। एग्जैक्टली, अब यही बात बीजेपी उठा रही है कि भाई 2000 करोड़ की जो बात आपने कही, एक मिनट विक्रम जी सुनिए ना, आप लोग गए सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा कि भाई ये पार्टी का जो सिंबल है ये हमसे लेकर दे दिया चुनाव आयोग ने, उस पर मामला हो, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में ये 2000 करोड़ वाली बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी सर? और एक ये तो